to Madhuri Bhatia for having given a beautiful introduction to our entire inauguration of your painting exhibition. So thank you so much, and Sidney, you may be seated now. So ladies and gentlemen, welcome to the debut painting exhibition of a brilliant artist, Sidney, and welcome all the esteemed guests for having joined us today. It's indeed a pleasure to have all of you. Thank you.
बहुत ही अच्छा लग रहा मुझे, कुछ नए फील्ड है बिकॉज मैं ज़्यादा पेंटिंग में, मेरी बहू पेंटिंग करती है मगर ज़्यादा हम लोग गाने बजाने में रहते, इधर ध्यान नहीं देते, लेकिन आर्टिस्टिक वर्क है, इट्स सो ब्यूटीफुल एंड गुड एफर्ट फॉर दिस नाइन फाउंडेशन एंड एवरीथिंग। हाँ ना, सोल तो पेंटिंग में तो खो जाता है, आदमी जो पेंटिंग करता है वो वहाँ पे हो सीमा, उस दृश्य से जब देखता है तो अलग चीज़ होती है ना, और तब दुनिया को हम लोग जो करते रहते हैं दिन भर का, उसको छोड़ के इसमें निकलना पड़ता है। यू हैव टू कम विथ समथिंग न्यू आइडियाज बाय पेंटिंग ओनली, नॉट टू स्पीक, दैट्स द थिंग। एंड देयर आर सो मेनी पेंटिंग विच कैन शो यू समथिंग, दे से समथिंग, व्हेन यू स्लोली लुक एट देम यू कैन फाइंड समथिंग ग्रेट। मैंने पूरा देखा ही नहीं अभी, लेकिन मुझे पहले आते ही फर्स्ट ग्लांस में मुझे ये पेंटिंग बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा गाया इन्होंने, डबल वॉइस में गाना इतना विदाउट एनी, नहीं तो क्या होता कि ऊपर के बीच में गाते कभी बेचूर हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं हुआ, किताब भी नहीं है उनके पास, इसलिए और भी अच्छा होता है काम। इसका रीज़न ये की है कि उसमें पोइट्री थी, लेने वाले जो थे वो बहुत अच्छे समझदार थे, सुलझे हुए सब्जेक्ट होते थे, तो उसमें कहानी में कुछ कहना होता था, जैसे अभी सरस्वती चंद्र छोड़ दी सारी दुनिया किसी के लिए, फिर अभी आमदनी अठनी गाना था हमारा तीन बहु रानियाँ में, जो आज का ज़माना जो चल रहा है, आमदनी अठनी खर्चा रुपया, तो इस तरह से सीख दी जाती थी, उसमें कुछ कहा जाता था जीवन की, जो जीवन में आस्ते आस्ते आप समझ जाओ। तो आज के गाने जो हैं रिदम के लिए अच्छे हैं, नाचने के लिए अच्छे हैं, तो पोइट्री का इतना कोई महत्व नहीं दिया जाता उसमें, ऐसा लग रहा है मुझे। एंड थिंग्स हैव बिकम चेंज, अब जो यंग जनरेशन है दे वांट एवरीथिंग फास्ट, फटाफट फटाफट से। क्योंकि पसंद आता लोगों को, तो नवी जनरेशन है उनको अच्छा लग रहा है, लेकिन उनका एक ही लगा कि थोड़े दिन में वो उसको भूल जाते हैं और नई के लिए आते हैं, दे वॉन्ट एवरी टाइम न्यू थिंग्स, जो दिल में बसाने वाली बातें नहीं रहती, ऐसा लगता है नाचो कूदो भाग जाओ, ऐसा लगता है। माय एग्जीबिशन इज बेस्ड मेनली ऑन वाइब्रेशंस, एंड वाइब्रेशन इज अ वेरी होलिस्टिक कॉन्सेप्ट, एंड माय इंस्पिरेशन इज बीइंग फ्रॉम फिंगरप्रिंट्स। Yeah, so with that as my inspiration, I have developed these paintings. It's all line work which forms into vibrations, and vibrations form the physical reality. That's the whole concept. Most important is the concept. The concept is good if you concentrate on the concept, and then how you execute it and bring it out. Okay, and a lot of patience, when you take a topic like lines where you take on fingerprints, you go to work per centimeter, so it's a lot of work involved in it. It's just not a brush stroke, it's a lot of detailing that involved. It was non-verbal, it was in the eyes and emotions. It's vibrations again, yes. Because there are certain things words cannot express, but you know, it's eye contact, and that expression on the face of that, it speaks volumes. Yeah. Thank you so much for coming over. बहुत अच्छा एग्जीबिशन है, बहुत खूबसूरत पेंटिंग्स हैं, और स्पेशली इनकी जो कलर स्कीम है वो देखकर बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस आ रहे हैं, और एग्जीबिशन तो कई होते हैं लेकिन ये जानकर बहुत खुशी हुई कि ये नैन फाउंडेशन को अपने जो प्रोसीड्स हैं उसका कुछ हिस्सा वो देने वाले हैं। और आज इस एग्ज़िबिशन के बहाने आनंद जी भाई से भी मुलाकात हुई, और एक एक पेंटिंग का उन्होंने हमें मतलब समझाया, और स्पेशली मैं खुद इस
क्षेत्र में आने से पहले पेंटिंग करता था, तो मेरी रुचि बहुत है पेंटिंग में। मैं पहले पोस्टर्स पेंट किया करता था, तो प्रेमनगर, जूली, स्वयंवर, स्वर्गनर के मैंने पेंटिंग किए हैं, तो ये मेरा पसंदीदा विषय है। तो हम लोग जो भी करते पेंटिंग ही तो है, हम जो भी बोलते वो एक पेंटिंग है। बस ब्रश और पेंट हाथ में आ जाए तो वो कैनवस पे आ जाता है, वरना हमारी ज़बान से एक एक चीज़ जो निकलती है वो भी एक पेंटिंग है। और पेंटिंग से हम बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं, वो पेंटिंग का हर एक फिगर, हर एक कलर हमारी आँखों को, हमारे दिल को इन्फ्लुएंस करता है। तो अच्छी अगर पॉजिटिव पेंटिंग हो तो उसका पॉजिटिव असर हमारे दिल पे होता है। अभी तो फ़िलहाल मैं मेरे बेटे के साथ एक शो कर रहा हूँ, अमिताभ और मैं, जिसमें मैं अमित जी के सुपरहिट गाने और उनके डायलॉग्स पेश करता हूँ, जिसमें मेरा बेटा सिद्धांत भी गा रहा है। और अभी एक अमित जी का एनिमेशन एक सीरीज़ चल रही है डिज्नी चैनल पे, उसमें अमित जी की आवाज़ में दे रहा हूँ, जिसका नाम है अस्ट्रा फोर्स, जिसमें अमित जी का रोल है एनिमेटेड, तो उसकी आवाज़ में कर रहा हूँ। स्टार्स जब गाते हैं तो वो गाना हिट हो जाता है, वो गाना बिकता जल्दी है, बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं, इसलिए स्टार्स गाते हैं। तो दौर है, फाइनली फिल्में जो बनती हैं, प्रोड्यूसर जो फिल्में बनाता है, म्यूज़िक जो बनाता है, वो पैसे कमाने के लिए भी बनाता है, तो वो अच्छा ही दौर है फिल्म इंडस्ट्री के लिए। लेकिन मेरे ख्याल से म्यूज़िक को म्यूजिशियन के साथ पास रहे तो अच्छा है। थैंक यू।